यो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस और यहाँ पर मजे कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का एक टेक्निकल पॉइंट की नई और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं एक टेक्निकल पॉइंट की नई और ब्रांड न्यू वीडियो में दोस्तों। और कल का एपिसोड यहां पर बहुत सारे लोगों को पसंद आया, बहुत सारे लोग बोले थे कि आरिश भाई बहुत ही भयंकर आपने एपिसोड बनाया। और आज एक नई आउटफिट हमें जो है मिली थी, तो भाई यहां पर जो है फ्रैंकलिन ने एक नई आउटफिट दोस्तों आप सभी लोगों को दिखाने के लिए यहां पर जो है पहन लिया है। हमारी जो AK-47 अभी यहां पर खड़ी है, मैं जस्ट घर के बाहर ही यहां पर आया था, थोड़ा सा यहां सामान वामान यहां से जो थोड़ा सा लेना था वो अपने वर्क शॉप के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो अपने वर्कर्स वगैरह जो काम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं जो है इसी तरीके से दोस्तों रहता हूँ, हर तरीके से उनकी जो है ये करता हूँ, ठीक है ना। केयर वगैरह दोस्तों करनी चाहिए अपने वर्कर्स की जो कि आपके शोरूम में जो है काम कर रहे हैं, समझ रहे हो दोस्तों। जब तक हम उनकी की केयर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ओ माई गॉड, आज तो रोड भी यार कुछ ज़्यादा ही भयंकर लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़ोर से बताइएगा दोस्तों, आज का रोड आपको कैसा लग रहा है? यार भाई मेरे को तो बहुत ही, ओ भाई साहब क्या बात है क्या बात? अरे आराम से सर जी, कहाँ घुसे जा रहे हो आप? तो पीछे से भी जा सकते थे ना, आगे से आना ज़रूरी था। हाँ नहीं तो एकदम, तो भाई एकदम मुझे इधर इस वाले कट से गाड़ी मोड़नी पड़ेगी दोस्तों, हमें इस वाले कट से निकलना है। चलो तो गाइस अभी तो फिलहाल मैं जो वर्कशॉप के लिए निकल रहा हूँ जो कि हमारी डीलरशिप है दोस्तों, वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। और आज हम एक हमारे पास जो है एक वो आया है बहुत ही, कहते हैं अभी तो मैं लैम्बोर्गिनी SVJ63 चला रहा हूँ, मैं अपने लैम्बोर्गिनी के शोरूम ही जा रहा हूँ दोस्तों। अरे यार हमारे होते हुए शहर में ऐसा हो जाए, ऐसा हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे होते हुए शहर में ऐसा हो जाए कोई किसी की प्रॉपर्टी चोरी कर कर ले जा रहा है, हमारे होते हुए भैया हम ऐसा होने नहीं दे सकते। कौन है, किसकी प्रॉपर्टी थी वो? अरे मैडम जी इधर आओ जरा, हम देते हैं। ये भैया है या मैडम जी हैं? बड़ी है भैया, hey. लड़का है तो। अरे भाई ले, भाई ले ले, या चल कोई बात नहीं, रख ले, वरना चोरी साले 50 रुपए दे रहा है। कोई बात नहीं, 50 रुपए दिए दोस्तों उसने हमें, खैर कोई बात नहीं यार, 50 रुपए ही, खैर इतनी बड़ी रकम नहीं होती है 50 रुपए, जितना मैं चिल्ला रहा हूँ 50 रुपए दिए, खैर सही है, जितना भाई उसका बजट था उसने दे दिया है ना दोस्तों। हम किसी के भाई उसके हिसाब से तो देखो चल नहीं सकते कि भाई कोई हमें ज़्यादा ही पैसे देगा, है ना दोस्तों, कि हमें कुछ ज़्यादा ही पैसे चाहिए। हम किसी के भाई पैसों के भिखारी भी नहीं है। अरे निकाल लो गाड़ियों को जल्दी से, एक तो लैम्बोर्गिनी है। अरे यार एक तो गाइस अपनी लैम्बोर्गिनी को निकालने में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। अभी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है एक भैया बहुत ही ज़्यादा मस्त गाड़ी को चुराने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में। और आज की ग्राफिक्स की क्वालिटी आपको कैसी आई दोस्तों, अगर आप सब लोग चाहें तो आप इस वीडियो को 4K पर देख पाएंगे, ठीक है, आप इस वीडियो को 4K पर वॉच कर सकते हैं। क्वालिटी कैसी आ रही है प्लीज़ एक बार कॉमेंट करके अपने भाई को ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम अपने वर्कशॉप जा रहे हैं और वहीं पर जाकर देखेंगे अभी दोस्तों क्या हो रहा है, क्योंकि गाइज कल जब हम गए थे तो वहाँ पर जाने के बाद ऐसा हुआ ना कि कल हमने दो गाड़ियाँ यहाँ पर जो आई थी और जो पानी की दिक्कत हो रही थी ना हमारी वर्कशॉप के अंदर, पानी की भी दिक्कत हो गई थी ना, वो फाइनली फिक्स हो गई है। और अभी जो दो गाड़ियाँ आई थी, दो यूरस आई थी, वो जो है दोस्तों फाइनली वहाँ पर खड़ी है। अभी मेरे को हल्का सा गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है इसके अंदर SVJ में, चलो पेट्रोल भी डलवाना है दोस्तों, पेट्रोल भी कम हो रहा है गाड़ी में। और ज़रा सा मेरे को सामान भी लेना था, अभी सुबह से मैंने कुछ लिया भी नहीं था अपने शोरूम के लिए गाइज, यहाँ पर थोड़ा सामान लेना था। चलिए अंदर चलते हैं। ओ भैया क्या हाल है, तो आ चुके हम शॉप में, भाई क्या क्वालिटी आ रही है। तो चलिए गाइज हम यहाँ पर कुछ परचेज करते हैं जो भी हमें यहाँ पर सामान चाहिए, ठीक है ना, फिर पेट्रोल डलवाता हूँ, फिर उसके बाद सीधा हम जो अपने वर्कशॉप के लिए दोस्तों जो चलते हैं। यो गाइज हम जो गाइज फाइनली यहाँ से निकल गए हैं, चलो यार चलो हाँ, इधर का इंडिकेटर दे रखा है हमने, आए बड़े तुम पहले घुस जाओ, ये लोग पहले घुसने की दोस्तों सोचते हैं। तो फाइनली गाइस हम जो अपने डीलरशिप जा रहे हैं, अभी सुबह तो डीलरशिप जाने का ही गाइस माहौल होता है ना, एक तो यार इस वाले रोड पे ना बहुत ही ज़्यादा वो होता है, पेट्रोल मैंने गाड़ी के अंदर फुल जो फुल डलवा लिया अपनी लैम्बोर्गिनी में। मैं निकाल ले इस गाड़ी को, टीन के डब्बे को आगे को, हट तेरी शिट भाई साहब, तेरी ऐसी तैसी साले।
अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे? गाड़ी की तो तूने मेरी ऐसी तैसी कर दी, खैर मेरी तो डीलरशिप है, मैं तो अपनी गाड़ी को ठीक करा लूँगा। चलो गाइस हम इधर का इंडिकेटर देते हैं अपना, चलो चलो चलो। तो फाइनली हम जो अपनी डीलरशिप तो दोस्तों आ गए हैं। यार एक तो गाइस ये ना बहुत ही ज़्यादा मीन लोग ना पागल हुए रहते हैं, इसीलिए मेरे को गुस्सा आता है इन लोगों पे। चलो अपना आराम से, कल यहाँ पर अपनी जो दो कार्स आई थी वो तो खड़ी होंगी ना। अरे यार हल्की सी लग गई, चलो कोई बात नहीं। यार असल में इसकी कंट्रोलिंग ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट। अभी यहाँ पर पुलिस वुलिस फालतू में मेरे चक्रों में जो यहाँ पर पड़ी है ना, मैं अभी क्या बोलूँ यार पुलिस वुलिस को भी, ये ऊपर ना आ जाए, नहीं बेसिकली आएगी भी नहीं पुलिस ऊपर। चलो हम अपना सीधा चलते हैं। ओके तो फाइनली हमारा जो डीलरशिप में गाइज हम आ चुके हैं। फ़िलहाल अपनी जो दो कार्स हैं गाइज वो खड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है अपनी दोनों की दोनों गाड़ियाँ। फिलहाल अभी पूरे के पूरे डीलरशिप मैंने आपको जो कल भी चेकआउट करवाई थी, अभी बहुत सारी गाड़ियों की दोस्तों यहाँ पर जगह है, लिटरली बहुत सारी गाड़ियों की भी यहाँ पर जगह है भाई। चलो और यहाँ पर अपनी दो गाड़ियाँ खड़ी हैं। अब खैर इनकी चाबियाँ जो गाड़ी की गाड़ियों में लगी हुई हैं, मैं दिखाऊँ आपको एक बार, चला कर देखते हैं कि कल ये जो यूरस आई थी कैसी थी। इंडिकेटर्स तो फिर भी काफ़ी बेहतरीन है इन गाड़ियों के। ओके टैक्सी के उसमें आप इनको चाहे तो चलाओ, जैसे मर्जी चलाओ यार, ठीक है। इंटीरियर में काफ़ी बहुत ही बेहतरीन और प्रीमियम लुक। सो गाइस फाइनली गाइस यहाँ पर जो मेरी जो AK-47 है वो तो अभी मैंने यहाँ पर जो सर्विस सेंटर है जहाँ पर भाई है मेरा वो मैंने वहाँ पर भिजवा दी है। उसकी जो डेंटिंग वेंटिंग का थोड़ा सा दोस्तों काम आ रहा था, जैसे कि आपने देखा कि सामने से फ्रंट लुक उसका ना गाइस थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना भाई अब इसको जब हमने डीलरशिप ले ली है तो लैम्बोर्गिनी से हमारा एक बहुत ही भयंकर वाला कोलैबोरेशन हो गया, कोलैब हो गया है, तो अब हम चाहे कुछ भी करें तो लैम्बोर्गिनी अब यहाँ पर कुछ भी गएगी। लैम्बोर्गिनी हमारी सारी गाड़ी को जो बिल्कुल फ्री में जो फिक्स करके यहां पर दोस्तों जो देने वाली है। और फिलहाल तो अभी हमारे शोरूम में था यहां पर जो दो गाड़ियां खड़ी हैं, फर्स्ट लैम्बोर्गिनी यूरस एंड सेकंड वन इज लैम्बोर्गिनी यूरस, ये स्काई ब्लू कलर में और ये वाली जो है रेस येलो में है। तो ये दोनों ही कलर दोस्तों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, अभी हाल फिलहाल तो बहुत ज्यादा बेहतरीन कलर्स हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम ऊपर चलते हैं, और ऊपर चलने के बाद भी दोस्तों अपना इलाका बहुत ही ज़्यादा भयंकर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अभी मुझे ना अपनी पूरी की पूरी डीलरशिप की सबसे ज़्यादा ऊपर वाला कंपार्टमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने फैसला किया मैं तो भाई यहाँ पर ऊपर ही रहा करूँगा। ऊपर का भाई बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, देख रहे हो भाई ऊपर का अपना डीलरशिप का इलाका बहुत ही ज़्यादा भयंकर है भाई। तो सिटी तो अपनी बहुत ही यहाँ से गजब की तो लगती ही है ना दोस्तों, अपनी सिटी तो यहाँ पर से दोस्तों बेसिकली देखने में तो वो गजब की लगती है ना। बाकी आप सभी लोग देखिए कितनी अच्छी लग रही है दोस्तों यहाँ से, और अपनी डीलरशिप भी बहुत ही अच्छी दोस्तों यहाँ से जो लगती है। तो गाइज अब मैं अपने, क्योंकि मेरे पास अभी जो मेरी जो पर्सनल कार है वो तो मैंने भिजवा दी है दोस्तों ठीक करवाने के लिए। अभी गाइज मुझे जो है एक बाइक की ज़रूरत होने वाली है, ठीक है ना दोस्तों। और मैं जो मेरी जो बाइक है कल मैंने जो है वहाँ पर खड़ी करी थी, आपको पता है जब मैं इन दोनों कारों को लेने गया था मैंने उसको एयरपोर्ट की पार्किंग में लगाया था, निंजा H2R जो है। तो दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल तो एयरपोर्ट जाने वाला हूँ, ठीक है ना। चलो जल्दी से, फिलहाल तो अभी गाइज हम जो एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए सबसे पहले मुझे वो बाइक उठानी पड़ेगी, उस बाइक के बिना तो गाइज मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता, सच्ची लिटरली बता रहा हूँ, उस बाइक के बिना तो दोस्तों मैं कहीं पर भी नहीं जा सकता। पहले मेरे को वो बाइक चाहिए, उसके बाद ही गाइज हम यहाँ पर जो है अगला कदम गाइज कुछ उठाने वाले, ठीक है। और फिर हम आज जो है प्ले बॉय मैंशन में से लैम्बोर्गिनी की एक टॉप सीक्रेट गाड़ी है उसको जो है चोरी करने वाले हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी भयंकर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है टैक्सी वाले भैया को फ़ोन करते हैं। टैक्सी अब तो गाइज टैक्सी का बिजनेस भी अपना ही है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगने वाला है टैक्सी वाले के लिए। थैंक यू सो मच। हम लैम्बोर्गिनी के शोरूम के बाहर ही खड़े हैं भाई, जल्दी आ जाओ। तो गाइज अपना लैम्बोर्गिनी का शोरूम कैसा लगता है, आप ये झंडे देख रहे हो भाई, लैम्बोर्गिनी चलाई जाने हो, लैम्बोर्गिनी का झंडे कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको दिखने में, एक बार कॉमेंट करके जरूर से बताओ यार। अरे भैया आ गई कैब, आ गई। तो गाइज़ अभी हम जो यहाँ पर हैं लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस वाले दरवाजे के पास हम जो दोस्तों जाने वाले हैं, तो चलिए जल्दी चलते हैं। अरे तेरी ऐसी तैसी साले, गिरा दिया तूने हमें। चलो भैया जल्दी से बैठो, जल्दी बैठ जा जल्दी।
Los Santos International Airport. अबे भैया जल्दी लॉस सैंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है भाई हमें, तू फालतू के पंगे मत ले अभी तो गाइज। एयरपोर्ट जाने के लिए तो भाई बहुत ही सारे पैसे गाइज, जो बंदा लेता है एयरपोर्ट जाने के लिए बहुत ही सारे पैसे यहाँ पर लगता है। आई मीन $100 से तो 7,000 से तो ऊपर ही रहने वाला है, 131 9,000 रुपये लगे नीचे वाली पार्किंग में होने वाली है वो। अब नीचे कैसे जाऊँ, मुझे उस सीढ़ियों से होकर दोस्तों नीचे जाना पड़ेगा अब यार। चलो यार चलो 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 दोस्तों फाइनली यार हम यहाँ पर भागते भागते तो यार आ गए। चलो जल्दी से, अभी मैंने जो है कल जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने उसको गाड़ी को जो दूसरी पार्किंग में लगाई थी, तो गाड़ियों को वहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं जिनका ज़्यादा वो होता है। तो टोकन 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 वाले भैया को तो दिया था, चलो वो खड़ी अपनी बाइक। हाँ तो बाइक को यहाँ पर दोस्तों ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि बाइक को कुछ हो जाएगा या फिर कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, भरोसे वाले लोग हैं, भरोसे से ही गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है सभी लोगों की, समझ रहे हो आप, सभी लोगों की भरोसे से ही खड़ी होती है यहाँ पर गाड़ी, कोई बिना भरोसे के नहीं छोड़ के जाता। क्या लग रही है मेरी बाइक। चलो खैर भाई निंजा H2 के यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं, निंजा H2R के अपनी गाड़ी के तो बहुत ही ज़्यादा दीवाने हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा। देख रहे हो भाई जब अपनी बाइक रोड पर चलती है ना तो भाई हर कोई देखता है, हर कोई देखता है, हर कोई। अभी मुझे सबसे पहले ना जो गाड़ी हम जो है बेसिकली गाइस चोरी करने वाले हैं, मुझे उसकी एक एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन पता करनी पड़ेगी कि वो बाइक जो कार है दोस्तों इस टाइम आई मीन खड़ी किधर है, क्योंकि जिधर वो बाइक खड़ी होगी आई मीन वो कार वगैरह जिधर खड़ी होने वाली है हमें जो है दोस्तों उधर से वो मिलेगी, है ना। तो चलिए उसके लिए तो मुझे किसी बंदे को तो मिलना ही पड़ेगा, और वो एक ही बंदा है जो हमें इस चीज़ के बारे में दोस्तों बहुत ही करेक्ट लोकेशन दे सकता है, वो है साइमन। साइमन जो है यहाँ पर गाड़ियों का डीलर है, बहुत ही बड़ा डीलर है, आपको सभी लोग जानते होंगे भाई उसे, और मैं फ़िलहाल तो उसी के पास जा रहा हूँ। ओ भाई साहब वहाँ जाने के लिए रास्ता तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा सा तो है दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा रास्ता हो ना वो बहुत है। एक तो भीड़ इस कदर की है यार रोड पे, बस क्या बताओ यार, भीड़ बहुत ही ज़्यादा रहने लग गई आजकल रोडों पे, बहुत ज़्यादा। चलो फाइनली गाइज हम यहाँ पर तो आ गए, ओके मुझे इस वाली पार्किंग में लगानी चाहिए अपनी गाड़ी को, बढ़िया। सो गाइज हम जो है साइमन के पास आ चुके हैं। निंजा H2R अपनी कितनी भयंकर लग रही है दोस्तों, एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा गजब की लगती है मोटरसाइकिल, आपको कैसी लगती है आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। चलो खैर शहर में जो अमीर लोगों की गाड़ी है ना वही चुराने वाले हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ज़्यादा वो नहीं होने वाला है। साइमन के आज पूरी की पूरी शॉप खाली क्यों है यार, पक्का साइमन तो ठीक है, चल कोई बात नहीं। तो गाइस साइमन ने यहाँ पर बताया है कि प्ले बॉय मैंशन का जो मालिक है, ठीक है, उसने अब से आई मीन 6 महीने पहले एक लैम्बोर्गिनी की गाड़ी खरीदी थी, और साइमन ने ही उस गाड़ी को जो है यहाँ पर जो है मंगवाया था। मैंने जैसे डिटेल पूछी है, ठीक है, पर दोस्तों वो गाड़ी ना 6 महीने बाद इतनी पुरानी हो चुकी है बेसिकली कोई। अच्छा साइमन चल रहा हूँ मैं, ठीक है, हम गाइस बाहर चल बाहर निकल के बात करते हैं, क्योंकि अंदर तो गाइस बात होने नहीं वाली थी ना, बाहर निकल के बातचीत होती है। तो गाइस वो गाड़ी ना इतनी पुरानी हो चुकी है, आई मीन इतनी पुरानी हो चुकी है वो गाड़ी, क्योंकि उस बंदे ने ना उस गाड़ी के ऊपर ध्यान देना ना भाई छोड़ ही रखा होगा, ठीक है। जब गाड़ी कोई बंदा खरीद लेता है उसकी गाड़ी इतनी ज़्यादा पुरानी हो जाती है, ठीक है ना दोस्तों, तो बंदा उसके ऊपर ना ध्यान देना ना छोड़ देता है, फिर गाड़ी बस ऐसे ही पार्किंग वगैरह में खड़ी रहती है। तो ऐसी गाड़ी को चुराने में और अपने शोरूम में खड़ा करने में पहले उसको मॉडिफाई करवाऊंगा, फिर जब ताकि किसी को पता ना चले कि वही वाली गाड़ी है, ठीक है ना, तो भाई उसको मॉडिफाई करवाऊंगा चोरी छुपे करवा के, उसका चेसी नंबर चेंज करवाऊंगा, तो भाई उसको ना तो कोई गाड़ी को पहचान पाएगा, और दूसरी यहाँ पर अच्छी बात ये होने वाली है दोस्तों, ना मेरे पीछे पुलिस पड़ने वाली है, और ना ही वहाँ पर कोई आई मीन टाइट सिक्योरिटी होगी जिससे मुझे वहाँ पर फाइट करनी पड़े, तो मैं चोरी छुपे बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्तों जो है कार चोरी करके जो है ला सकता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो अभी तो सबसे पहले हमें जो है उस गाड़ी को चुराने के लिए सबसे पहले तो जाना होगा, चलिए चल रहे हैं आराम आराम से आराम आराम से। अरे भैया कहाँ बीच में घुसोगे क्या, मैं गाइस पहले आपको जो है मेंशन दिखाता हूँ, वो मेंशन जो है माइकल दादा के घर की तरफ होने वाला है, क्योंकि जितने भी इस शहर के वाले जो भी अमीर आदमी है ना सारे के सारे दोस्तों वहीं रहते हैं, सारे के सारे टोटली उधर ही रहते हैं दोस्तों, सारे के सारे आपको उधर ही देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी मैं आपको उधर ही लेकर चलता हूँ। भाई साहब बाइक क्या तेज़ चल रही है यार, इतनी तेज़ भी नहीं चलना चाहिए यार कि गिरने की ज़्यादा संभावना बढ़ी रहे यार, मुझे बाइक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डर लगता है भाई, सच बता रहा हूँ मैं।
उधर ना दोस्तों, जिधर मैं आपको लेकर जा रहा हूँ ना, उधर ना सारे के सारे अमीर आदमी रहते हैं दोस्तों। जितने भी सारे के सारे लॉस सैंटोस के बंदे हैं ना, सारे के सारे अमीर आदमी रहते हैं दोस्तों। तो मुझे वो गाड़ी भाई किसी भी हालत में चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। और मैं उसको काफ़ी चालाकी से चुराऊंगा, ठीक है, एकदम से तो चुराने नहीं वाला। मुझे लॉक पिक पता होती है कि लैम्बोर्गिनी के दरवाजे कैसे खुलते हैं, तो मैं उसको लॉक पिक हॉट वायरिंग करके जो है भाई निकाल लूँगा गाड़ी से, तो वहाँ से चलो अभी पहले मैं, अरे अरे मेरे ख्याल से इधर नहीं होने वाला है, ये अपर की साइड ही होगा, ये रहा ये, हाँ दोस्तों यही है, यही वाला घर है, यही वाला घर है मेरे ख्याल से। तो मेरे ख्याल से जो गाइस ये घर गया ना पीछे, यही वाला घर है वो, क्योंकि इसके अलावा तो यहाँ पर और कोई सा घर होने भी नहीं वाला मेरे ख्याल से। तो दोस्तों यहीं पर घर होने वाला है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर ये एक पार्किंग का एरिया है, पहले मैं अपनी गाड़ी को ना पार्किंग में लगा देता हूँ, उसके बाद कुछ करेंगे। यहाँ पर एक जनरल पार्किंग है हॉस्पिटल की, यहाँ पर लगा देते हैं, हॉस्पिटल है फिर कोई वो है ये, तो इसकी पार्किंग में लगा देंगे। पार्किंग में लगा देते हैं ना, तो गाड़ी को, बाइक को अगर हम पार्किंग में लगा दें तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, लगेगा निंजा H2R तो पहले से ही पार्किंग में लगी हुई। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर कोई कुछ कर भी नहीं पाएगा, सच बात तो दोस्तों यही है ना। ऑलराइट गाइज, हम सामने तो भाई आ गए हैं, पर गाइज हमें जो है अंदर जाने का रास्ता भाई जो है मिलने में यहाँ पर थोड़ी सी भाई जो है दिक्कत होने वाली है, क्योंकि अंदर का रास्ता भाई इतनी जल्दी तो देखो यहाँ पर जो मिलने नहीं वाला। और अंदर का रास्ता यहाँ पर ढूंढने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाई ये वाला दरवाज़ा तो बंद है। चलो, और मैं सामने मेन गेट से गया तो भाई पता भी चल सकता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े मोटे सिक्योरिटी गार्ड होने वाले, तो मैं गन निकाल लेता हूँ, और सप्रेसर वाली गन है भाई, किसी को कुछ पता चलेगा भी नहीं। भाई ये दीवार बहुत ही ज़्यादा ऊँची है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ऊँची है दोस्तों वाली दीवार। और ये यहीं पर उसका गैराज है, यहीं पर है, यहीं पर है, पर है। आराम से, आराम से, आराम से मैं दीवार टप सकता हूँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अबे रुक जा रुक जा रुक जा, छत पे चढ़, छत पे चढ़, छत पे चढ़, जल्दी फ्रैंकलिन चढ़ जा, आराम आराम से, बिल्कुल भी शोर नहीं करना, ऐसा करना जैसे यहाँ पर कोई हो ही ना, ऐसे करना। सप्रेसर वाली गन है दोस्तों, अगर मैं चाहूँगा तो एक, अगर कोई हुआ यहाँ पर, गए 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 गए, इतनी जल्दी उखाड़ो भी क्या, चार चार सिक्योरिटी गार्ड थे, और तो नहीं है ना कोई, और कोई नहीं है दोस्तों यहाँ पर, और कोई नहीं है। फाइनल दोस्तों लैम्बोर्गिनी जो है मिल गई है, इसका लॉक ठीक है, और इसका ये भी तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तो लॉक खुल गया दोस्तों गाड़ी का। चलो ओ भाई साहब, क्या गाड़ी है दोस्तों यार, ये कार नहीं है, हाँ हाँ कार है यार। गाड़ी को आराम आराम से निकालता हूँ, यार पुलिस वालों को कैसे पता चल गया यार, शोरूम के लिए गाड़ी निकाल रहा हूँ यार, बदनामगी ना हो जाए। खैर कोई बात नहीं, ओ भाई भाई साहब, मुझे इस गाड़ी को पहले छुपाना पड़ेगा, गाड़ी को भी डैमेज नहीं होने दे सकता दोस्तों मैं, वरना गाड़ी डैमेज हो जाएगी, फिर क्या घंटा खड़ा करूँगा अपने शोरूम में ले जाकर मैं। इधर का इंडिकेटर देता हूँ भाई, इधर का इंडिकेटर भगा के ना इस गाड़ी को ना टनल में घुसेड़ देता हूँ। टनल में अगर मैंने घुसेड़ देना गाड़ी तो भाई मैं 101% बच जाऊँगा, अगर मैं टनल में ना जा पाया तो भाई नहीं बच सकता मैं। टनल में तो गाड़ी किसी भी हालत में लेकर जानी पड़ेगी। गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है भाई, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मैं चुराने में भाई सक्सेसफुल भी रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं कि हम भाई ऐसे चुरा कर लाए। खैर ये गाड़ी ना पुराना मॉडल है इसलिए, अरे अरे अरे, हमें तो अपनी इस शोरूम में खड़ी खरीदनी है ना, चुरा के ही खरीदनी पड़ी है, कि दोस्तों पैसे तो है नहीं अपने पास इतने, जो नई ला कर खड़ी खड़ी करेंगे, दो गाड़ियाँ नई लाया है बहुत है। हेडलाइट से भी अच्छी है दोस्तों गाड़ी, हेडलाइट से बहुत ही भयंकर है, अपना आराम आराम से चलते हैं लेकर। बढ़िया,
ऑलराइट, तो हम जैसे टनल में घुसे हैं, मेरे ख्याल से तो जो पुलिस के केसेस हैं भाई वो हट चुके हैं, तो चलिए हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। हाँ गाइस, पुलिस के केसेस जो है हट गए, चलो हम इसे आराम से निकालते हैं। पुलिस जो है भाई जा चुकी है, पर गाइस भाई किसी का दोस्तों कुछ पता नहीं है कि पुलिस यहाँ पर कब आ जाए, इसलिए हमें थोड़ा सा दोस्तों हमें यहाँ पर जो है इंतज़ार करना है। हम यहाँ से जो है भाई रात के टाइम निकलेंगे, ताकि रात के टाइम ना भाई, अगर मैं रात के टाइम यहाँ से निकलूँगा तो रात के टाइम ना ज़्यादा ऐसा लोगों को डर वर नहीं होता है कि एकदम से कोई पुलिस वुलिस आ जाए, तो हमें थोड़ा रात तक तो दोस्तों इंतज़ार करना ही चाहिए, वरना भाई क्या पता कुछ हो ना जाए बाहर निकलने के बाद। सो यू ऑल राइट गाइज, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वक्त हो गया है, ऐसा कम से कम 5 घंटे हो गए हैं भाई मुझे इस टनल के अंदर ही। अब 5 घंटे बाद मैं यहाँ से जो निकल रहा हूँ भाई, अब कोई भी ट्रबल नहीं चाहिए बाहर निकलने के बाद। अब बस हम सीधा सीधा इस गाड़ी को लेकर चल दें और बेहतर होगा दोस्तों। रात हो चुकी है, ओ माय गॉड, अबे आराम से घो चुके हो, रात घुसेगा गया, हमारे बीच में घुसने की सोच रहा है। तो गाइस फाइनली हमने गाड़ी को तो भाई बाहर निकाल ही लिया है। ओ भाई साहब भयंकर, गाड़ी को बाहर निकालने में तो हम दोस्तों कामयाब हो ही गए हैं, ठीक है ना। अब इसको गाड़ी को हमें यहाँ से जो है किसी सही लोकेशन पर दोस्तों जो है लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का इंजन का लेवल भी ना थोड़ा सा भाई डाउन ही आया है। इसको भाई ठीक तो देखो दोस्तों करवाना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। अभी मैं किसी अच्छे से अपने भरोसेमंद वाले जो कस्टम्स है ना उस पे चलते हैं, और मेरा जो भरोसेमंद वाला कस्टम है भाई वो तो यही बंदा है, और यही बहुत अच्छे से करके देगा मैं वो। फिलहाल तो अभी गाड़ी को मैं ना बिल्कुल भाई चेंज करवा दूंगा पूरा लुक, ताकि कोई ना पहचान ही ना पाए कि ये वही गाड़ी है, जैसी वैसी नंबर भाई बंदा पूरा चेंज कर देगा। अभी मुझे मॉडिफिकेशन के ऊपर तो बहुत कम पैसे लगने वाले हैं दोस्तों, अगर काश मैं नहीं मंगवाता नए वाली गाड़ी तो भाई मेरा बहुत ही लंबा बैठा खर्चा हो जाता, बहुत लंबा खर्चा हो जाता दोस्तों मेरा, अगर मैं काश ये वाली गाड़ी नहीं मंगवा लेता। ओ भाई इसकी तो एक लाइट भी चली गई, खैर कोई बात नहीं, चोरी में थोड़ा सा जोखिम तो होता ही है ना भाई थोड़ा सा, और रात के अंधेरे में मैं करवाऊंगा ना तो भाई कोई पहचान भी नहीं पाएगा। दिन में अगर मैं आता ना मॉडिफाई करवाने, क्या पता लोग यहीं पर खड़े होते मेरा स्वागतम करने के लिए। पुलिस वाले भाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ आजकल उनका दिमाग हो रहा है पुलिस वालों का, कभी मेरा स्वागत करने के लिए यहीं पर खड़े होते, फिर बोलते स्वागत नहीं करो क्या, अबे तेरी मैडम जी खड़ी थी यहाँ पर तो इतनी रात को नहीं खड़े होते मैडम जी बाहर। तो फाइनली हम जो अपनी गाड़ी को यहाँ पर ले आए हैं, और दोस्तों ये जो मेरा दोस्त है ना एकदम भयंकर गाड़ी का जो लुक बना देगा। तो चल रिपेयर, 25,000 का आर्मर, स्ट्रीट ब्रेक्स, इंजन, ये ओ सही है, हेडलाइट, एग्जनोस, नियॉन किट, लेआउट ये वाला, कलर जो है मैं इसको इलेक्ट्रिक ब्लू करवाऊंगा, ठीक है ना, प्लेट जो है ब्लैक, ठीक है, मैटेलिक, ये गाड़ी जो है ब्लैक स्टील में आती थी, और हम जो इसको भाई करवा देंगे वाइट, ना मैं करवा दूँ वाइट तो पकड़ी जाएगी। भाई साहब लाइम ग्रीन में क्या मस्त लग रही है ना, लाइम ग्रीन सेकेंडरी, ओके तो ये जो लोगो है ना इसको ब्लैक ही करवाते हैं, कार्बन ब्लैक, वाइट ही पे अच्छा लग रहा है वैसे दोस्तों लोगो, है ना, वाइट लोगो या भाई कार्बन ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा दोस्तों, है ना, कार्बन ब्लैक ज़्यादा सही रहेगा। और स्पॉइलर, हाँ स्पॉइलर चेंज करवा दो क्योंकि उस गाड़ी का दूसरा था, हम इसका दूसरा करवा देते हैं, सही है, ट्रांसमिशन बढ़िया करवा देते हैं, टर्बो करवा दी, व्हील तो छुड़वाने ही नहीं, विंडोज़ ब्लैक हो जाएंगी, नहीं यार रहने दो ये कुछ नहीं करवाना, नई गाड़ी का कौन सा ब्लैक होता है, नई गाड़ी का तो भी ब्लैक नहीं होता दोस्तों, नई गाड़ी का भी नॉर्मल ही होता है, ब्लैक नहीं होता है नई गाड़ी का भी। भाई साहब ओ भयंकर, भाई साहब तो चलो यार फटाफट हम इसको घर पर लेकर चलते हैं, फिलहाल तो शोरूम नहीं जा रहा अभी, तो भाई मुझे रात को घर पर ही जाना है अपने, और कहीं नहीं जाना चाहता। ओ माय गॉड यार गाड़ी को भगाने का मजा ही कुछ और है यार, इसको तो एकदम खतरी चलती है,
खतरी चल रही है, एकदम खतरी। क्या रहा दोस्तों, रात बहुत ही ज्यादा घनी हो रखी है, और इस रात में अगर साथ हो तुम्हारे ऐसे लैम्बोर्गिन तो मजा ही आ जाए। खैर गाइस, इस इलाके में रात ना बहुत ही ज्यादा गहरी होती है, बहुत ज्यादा गहरी भाई। रात को अंधेरे में कुछ दिखता भी नहीं, सच में मुझे दिखता ही नहीं। अभी इधर का इंडिकेटर देना। चलो फाइनली वी रीच आवर हाउस, तो चलो अपने घर पर तो आ गए ना गाड़ी को लेकर। चलो सही है, चलो तो हमने ये तो चुरा ली है। अभी दोस्तों मैं इस गाड़ी को जो है ना भाई शोरूम में जो है दोस्तों अभी कल या परसों को खड़ी करूंगा। अभी मैं इस गाड़ी को शोरूम में नहीं खड़ी करूंगा। अगर गाइस मैंने इस गाड़ी को शोरूम में अभी खड़ी कर दी ना, अगर मैंने अभी खड़ी करी तो क्या पता वहाँ पर रेड पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो दो दिनों के बाद खड़ी करूंगा, क्योंकि गाड़ी उनकी चोरी हुई है अभी और हम इस गाड़ी को वहाँ पर खड़ी करेंगे दोस्तों दो दिनों के बाद। तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा सही तरीका रहेगा, अगर मैं इसको भी अभी खड़ी कर दूंगा ना दोस्तों तो लोगों के दिमाग में शक हो जाएगा कि भाई एकदम से शोरूम के अंदर ये नई गाड़ी कहाँ से आई है, ये है वो है, तो लोग भाई बहुत बातें बनाते हैं आजकल के, समझ रहे हो ना आप। तो हम इस गाड़ी को दो दिनों के बाद दोस्तों अपने शोरूम में खड़ी करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। हम अपने घर में जाकर अंदर बाकी का व्लॉग शूट करते हैं। कह रहा है दोस्तों हम अपने घर में, रातें काफ़ी घनी होने लग गई दोस्तों। तो ये रहेगी हमारी तस्वीर हमारे घर के अंदर। सो यो, आई होप के गाइज आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। गाइज अगर लगी तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड ऑब्वियसली दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपने अब तक नहीं किया है तो दोस्तों। तो यार गाइज मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।